जनपद संभल के चंदोसी में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने रोडवेज कर्मचारियों को फ्रंटलाइन कोरोना योद्धा मानते हुए कोरोना वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर लगवाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कोरोना काल में सरकार के आदेश के अनुपालन में परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा दिन रात मेहनत करके लाखों यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुँचाने का कार्य किया गया, जिस कार्य की सरकार द्वारा की गई प्रेस वार्ता में प्रशंसा भी दी गई थी एवं सरकार के द्वारा परिवहन निगम के चालक परिचालक एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र भी दिए गए थे। इसी को देखते हुए जनपद संभल के चंदोसी में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय प्रतिनिधि अनिल मिश्रा के नेतृत्व में रोडवेज कर्मियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपते हुए रोडवेज कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए प्राथमिकता के आधार पर उनका वैक्सीनेशन कराने की मांग की। इस विषय में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के क्षेत्रीय प्रतिनिधि अनिल मिश्रा ने कहा कि कोरोना काल में रोडवेज कर्मचारियों ने लाखों लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया था और उस कार्य की सरकार ने प्रशंसा भी की थी, लेकिन सरकार ने कोरोना की वैक्सीन लगवाने में हमें प्राथमिकता नहीं दी। आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम उपजिलाधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपकर हमें कोरोना वैक्सीनेशन में प्राथमिकता देने की मांग की। उपजिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है, क्या मांग है आपकी? ये मांग हमारी बहुत सीधी है और सही भी है कि ऐसा है कि पूरे कोरोना काल में हमारे रोडवेज कर्मचारियों द्वारा सरकार के आदेश पर दिन रात मेहनत करके लाखों कर्मचारियों को गंतव्य तक पहुंचाया गया, सुरक्षित पहुंचाया गया। उस समय हमें कोरोना योद्धा माना गया, सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र भी दिए गए चालक प्रचारकों के लिए। अब जब वैक्सीनेशन का काम शुरू हो रहा है तो हमारे कर्मचारियों के लिए किसी के लिए फ्रंट लाइन वर्कर न मानते हुए वैक्सीन की श्रेणी में नहीं रखा गया है। ये जो है हमारे कर्मचारी दिन रात सैकड़ों कर्मचारियों वो यात्रियों के बीच में संपर्क में आते हैं। हम ये चाहते हैं कि कम से कम चालक परचालक और जो हमारे संचालन के कर्मचारी हैं इनके लिए वैक्सीन लगाई जाए। बस यही हमने मुख्यमंत्री जी के SDM महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के लिए एक अनुरोध किया है, ज्ञापन दिया है, चाहे मां